अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शादाब और स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन मास्टर में। तो दोस्तों आज हम कटिंग करने वाले हैं शर्ट की कटिंग। तो मेंस की जो फिटिंग शर्ट की कटिंग होती है हम उसको करेंगे। और दोस्तों मैंने इस वीडियो में आस्तीन का जो हम राउंड शेप निकालते हैं मैंने एकदम नए तरीके से आपको बताऊँगा कि क्योंकि आप अगर नए हैं और आपको ये राउंड नहीं निकालने आता तो मैं जो तरीका बताऊँगा बिल्कुल परफेक्ट तरीका और बिल्कुल आसान तरीका होगा। तो चलते हैं स्टेप बाई स्टेप कटिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम कपड़े को उल्टा करके बिछा लेंगे। ये हमारे पास साठ का पनाहा है, ये बड़ा पनाह का कपड़ा है, तो इसे हम पनाह की तरफ से ही बस सिर्फ उल्टे पलटी कर लेंगे, यानी उल्टा करके बिछा लेंगे। उसके बाद हम नाप देख लेते हैं। तो लंबाई हमारी 29 है, सामना 11, साढ़े 10, 11, और ये सामना हमारा चेस्ट पर 11 है, पेट पर 10.5 और हिप पर 11 है। शोल्डर हमारा 18 है, आस्तीन 24.5, कॉलर 15 है और सीना 40। तो हम आर्मोल भी सीने से ही निकालेंगे। तो सबसे पहले एक लकीर खींचेंगे जो कि हम कपड़ा काट के निकालने के लिए, और दूसरी मार्जिन के लिए। जो हमारा दामन मुड़ता है वो पतला दामन मुड़ता है, ये साइको कटिंग है, इसे एप्पल कट भी बोलते हैं। उसके बाद 2 इंच के एक निशान लगा कर किनारे के पास जहाँ हमारा सामना पट्टी बनेगी, तो ये कॉमन हर शर्ट में हम इसी तरह खींचते हैं। तो एक यहाँ पर लकीर खींच लेंगे और ये लकीर को और बड़ी कर लेंगे, ऊपर तक की लकीर खींच लेंगे। उसके बाद हम लंबाई रखेंगे। तो लंबाई हमारी 29 है, तो हम 29.5 पर निशान लगाएंगे। देखो हमारी लंबाई थोड़ा छोटी हो गई थी, आप पूरी लंबाई तक खींचें, तो मैं इसे बड़ी कर लेता हूँ। उसके बाद लगाएंगे 2.25 इंच का निशान, जो कि कॉमन हम हर शर्ट में, जो नॉर्मल शर्ट होती है बड़े लोगों की, उसमें हम 2.25 लगाते हैं। उसके बाद हम आर्मोल रखेंगे। तो मैंने बताया था कि सीने की चौथाई रखेंगे आर्मोल, तो 40 की चौथाई 10 रखेंगे, उसमें हम 1/2 इंच और कम कर देंगे फिटिंग सेट के लिए, तो हमारा हो जाएगा 9.5 रखेंगे। फिर लकीर सीधी करने के लिए, जो दोस्तों लकीर हमारे पास एल पट्टी नहीं है सीधी लकीर खींचने के लिए, तो हम यहाँ से भी नाप लेंगे नीचे तक, तो ये 20.25 है, तो ऊपर भी हम 20.25 रख देंगे। ये तरीका लकीर सीधी करने के लिए बिल्कुल आसान और बहुत परफेक्ट तरीका है। तो ऊपर भी नाप लेते हैं हम, ऊपर 7.5 रख देते हैं। उसके बाद दोस्तों हम ये दोनों लकीर को मिलाकर सीधी सीधी लकीर खींच लेंगे। और जहाँ पर हमारा कॉलर बनेगा वहाँ पर एक छोटी लकीर खींच लेंगे। तो अब हम निशान लगाएंगे, कॉलर 15 कॉलर है तो हम 2.5 इंच का निशान लगाएंगे। और फिर शोल्डर हमारा 18 है, तो हम 18 का 9.5 इंच का निशान लगाएंगे और उसमें 1/2 इंच की मार्जिन देंगे। और उसके बाद हमारा सामना नापा हुआ था 11 हमारा सामना है, और बीच में 10.5, नीचे 11, तो उसी तरीके से हमें इसमें भी मार्जिन देते हुए निशान लगाएंगे। 11 है तो 11.5 निशान लगाएंगे, और पेड़ के लिए हम बीचों बीच में निशान लगा लेंगे। अंदाज से भी लगा सकते हैं और नाप कर भी, तो बीच में हम 10.5 के हमारा नाप है तो हम 11 इंच लगाएंगे, और हिप हमारा 11 है तो हम उससे 1/2 इंच उसमें भी मार्जिन देंगे, 11.5 लगाएंगे। उसके बाद हम ये तीनों लकीर को राउंड पटरी से मिलाकर खींच लेंगे लकीर। तो जहाँ से हमारी पटरी बैठेगी ऊपर नीचे, जहाँ से आपका सेप बैठे वहाँ से इसे मिलाकर लकीर खींच लें। उसके बाद हम आर्मोल की गहराई के लिए 2.5 इंच का निशान लगाएंगे, आगे से थोड़ा फिट रखेंगे तो 2.5 लगाएं, आप 2.25 भी लगाते हैं, नॉर्मल 2.25-2.5 यही एक नाप चलता ही है, तो 2.5 लगाएंगे। उसके बाद शोल्डर भी मिला लेंगे, सीधी लकीर खींचेंगे इसे, ये भी मिला लेंगे। उसके बाद हम कॉलर को ऊपर, हम कॉलर जहाँ से हम उसे राउंड कर लेंगे। एप्पल कट कटिंग के लिए नीचे से हम 2 इंच की एक मार्जिन देंगे, हमारा एप्पल कट, ये साइको भी बोलते हैं, उसको भी लकीर खींच लेंगे। हल्का शेप से, हल्की राउंड पट्टी से शेप देंगे, और जहाँ पर हमारा कोना निकलेगा उसे हम सिर्फ राउंड कर देंगे, तो ये हमारा एप्पल कट हो जाएगा। तो ये हमारा फ्रंट रेडियो, हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। उससे पहले कि हम आर्मोल पे एक राउंड का शेप दे देते हैं, ये हमारा शेप हो गया, अब इसे हम जल्दी जल्दी कटिंग कर लेते हैं। तो इसका कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके पूछें, मैं आपको बताऊंगा। फ्रंट जहां से हमने फ्रंट काटा है अभी आपको बताऊंगा कि वहीं से हम बैक भी वहीं से निकलेंगे, क्योंकि ये हमारा पल्ला जो था, ये कपड़ा तो 60 का पनाहा है, चौड़ा पनाहा होता है ये, तो हम पन्हे की तरफ से ही निकालते हैं फ्रंट। तो जहाँ से हमने फ्रंट काटा उसी कपड़े को हम खींच कर पलटी करेंगे,
और उस पर सामना बिछाएंगे एकदम आखिरी कपड़े से, ताकि हमारा कपड़ा व्यस्त ना जाए। तो देखो मैंने निशान लगा रहा हूँ मैं, तो उसके बाद देखेंगे हमारा कपड़ा कहाँ पर ख़त्म हो रहा है। देखो मैंने निशान लगाया है, अब कपड़े को वहीं से मोड़ेंगे ताकि हमारा कपड़ा वेस्ट ना होए। तो ये हम यहीं से मोड़ लेंगे इसे इस तरीके से। अब इसके ऊपर वही जो हमने सामना काटा हुआ है फ्रंट वाला, इसको उस पर बिछा देंगे और इस तरीके से बिछाएंगे कि आधा इंच हमारा बाहर हो ऊपर और नीचे बराबर। उसके बाद हम शोल्डर का निशान लगाएंगे, तो 3 इंच का निशान लगाएंगे। ये कॉमन हम हर शर्ट में इसी तरीके से लगाते हैं 3 इंच, यहाँ पर भी और 3 इंच क्रॉस करके सामने आगे भी। उसके बाद हमारा कॉलर है 15, तो हम 2.5 इंच का निशान लगा लेंगे। और यहाँ से आप 1.25 इंच का 1 इंच एक सूत, ये कॉमन आप हर शर्ट में लगाएं, बिल्कुल परफेक्ट आएगा। अब दो लकीर खींच लेंगे दोनों जहाँ हमने निशान लगाया है। उसके बाद हम शोल्डर का निशान लगाएंगे, तो शोल्डर हमारा था 9, मतलब 18 का आधा किए थे, उसमें आधा इंच मार्जिंग थी, 9.5 हुआ था, तो 9.5 यहाँ पर भी लगा लेंगे। तो दोस्तों जहाँ से हमने अभी निशान लगाया यहाँ पे हमारा देखो कोना मिला हुआ है, जहाँ पर पॉइंट मिला है उस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाएंगे। और फ्रंट हमने गहरा किया हुआ है, हम बैक को सीधा सीधा खींचेंगे, सीधी लकीर, उसे ज़्यादा अंदर नहीं करेंगे। तो दोस्तों ये हमारा बैग भी रेडी हो गया। बैग में हमारा अभी से हम जो बैग में इसे भी शेप दे देते हैं और इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो बैग बिल्कुल आसान होता है, फ्रंट काटने के बाद आप बैग उसी पर रख कर काटते हैं तो बिल्कुल आसान तरीके से कट जाता है। अब बारी आती है सीन की, तो दोनों सीन हम एक साथ काटेंगे। तो कपड़े को हम डबल करके बिछाएंगे और उसे 4 परत में कर लेंगे। उसके बाद हम एक मार्जिन के लिए निशान लगा लेंगे, नीचे देख लेंगे कपड़ा बराबर है कि नहीं, मेरा कपड़ा बराबर है। उसके बाद हम लंबाई रखेंगे, तो लंबाई हमारी 24.5 है, तो हम मार्जिन पहले ही छोड़ चुके हैं, तो 24.5 पर निशान लगाएंगे और उस 2 इंची कम करेंगे। आपको जितना कफ लगाना है उससे आधा इंच बड़ा रखेंगे। मुझे 2.5 इंच का कफ लगाना है तो मैं 2 इंच से कम कर रहा हूँ, मैं लिख देता हूँ 2.5 इंच चौड़ा है कफ और कफ की लंबाई हमारी है 9.5। तो अब इसकी लंबाई के भी रखेंगे, 9.5 को आधा करेंगे तो 4.5 बन जाएगा हमारा। और उसमें हम आधा इंच की मार्जिन सिलाई के लिए देंगे और 1.5 इंच एक छोटी प्लेट के लिए, ज़्यादा प्लेट नहीं रहेगी, फिटिंग सेट है तो उसमें भी दे देंगे। अब यहाँ ध्यान दें यहाँ पे दोस्तों कि हमारा आरमोल था 9.5, तो हम 9.5 पर लगाएंगे सीधा सीधा, और क्रॉस करने पर हमारा 10 इंची आएगा, आधा इंची बढ़ा देंगे। आपको दिखाता हूँ आरमोल जो हमने निकाले थे, ये हमारा आरमोल है 9.5, तो इसी को हम सीधा सीधा 9.5 सेम रखेंगे और क्रॉस करने पर 10 आ जाना चाहिए। आप इस तरीके से काट कर एक बार तो देखें, बिल्कुल परफेक्ट नाप आएगा, कम ज़्यादा नहीं होगा, आरमोल और आस्तीन का नाप बिल्कुल परफेक्ट आएगा। आप एक मतलब इसे ट्राई करें ज़रूर। और अभी आपको मैं आस्तीन का जो राउंड शेप निकालना है वो भी आप बताऊंगा, बिल्कुल आसान तरीके से आप उसको राउंड निकाल सकेंगे, आगे मैं अभी बताता हूँ आपको। पहले से हम शेप देख कर सीधे सीधे लकीर खींच लेते हैं। तो आस्तीन हमारी जो हमने अभी आरमोल की लंबाई रखी थी 9.5 रखी थी, ये आपको दिखाता हूँ 9.5, तो इसका बिल्कुल आधा करेंगे, थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है आधा भी करेंगे, ज़्यादा नहीं कम मतलब। तो 4.5 पर निशान लगाएंगे और राउंड पटरी से उसी कोने से हल्का शेप देंगे। और भी राउंड होती पटरी तो और भी अच्छा हो सकता था, तो मैं इसे हल्की राउंड शेप देके निशान लगाया हूँ और इसे सीधा सीधा अब मैं कटिंग करता हूँ। अब वीडियो में देखें मैं किस तरीके से कटिंग करता हूँ। तो ये एक्स्ट्रा कपड़ा काट के निकाल दिया और ये जो मैंने शेप दिया है इसी को हल्का और शेप देते हुए कटिंग करेंगे। बाकी मैं फटाफट कटिंग कर लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ शेप कैसे निकलेगा। उसके बाद ये जो कोना हमारा निकल रहा है, इस कोने को ही साफ करेंगे, इसे राउंड स्लॉट शेप देंगे तो आस्तीन का शेप हमारा बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ये हमारा शेप पूरा हो गया है। आस्तीन अभी हम हटाएंगे नहीं, अभी हमें इसे और भी काम है इसमें। तो हमने चारों पल्ला एक साथ है, यानी हमारे दोनों आस्तीन एक साथ है, तो दो पल्ले को एक साथ पकड़ेंगे कुछ इस तरीके से जैसे मैं पकड़ रहा हूँ, और अपनी तरफ खींचेंगे आगे। तो आधा इंच हम बाहर करेंगे, आधा इंच 1.25 इंच भी चल जाता है, तो आधा इंच से बाहर करेंगे और आस्तीन की जो हम चाक पट्टी बनाते हैं उसका निशान लगाएंगे 5 इंची पर और हम उसकी कटिंग करेंगे सीधा सीधा। तो यहाँ पर हमारी चाक पट्टी बनेगी
अभी भी हम उठाएंगे नहीं आसीन, और इसी को घुमाकर जो हमने काटा हुआ है इसको, जो पल्ला है इसे खोल लेंगे आसीन से अपनी तरफ जो आगे, तो हमारे सामने जो अपने सामने आ रहा है इसी को गहरा करेंगे, तो ये हमारा आर्मोल की गहराई वाला हिस्सा हो जाएगा आस्तीन का। 1.25 इंच से गहरा करते हैं और इसे शेप दे देते हैं, तो मैं इसे शेप देता हूँ, आप बिल्कुल बारीकी से खूब अच्छे तरीके से आप बराबर जब कटिंग करेंगे तो आपको अभी शेप बहुत अच्छा निकलेगा। तो ये देखो हमारा शेप बिल्कुल परफेक्ट निकला है। तो दोस्तों ये हमारी आस्तीन रेडी हो गई। अब हम इसको कटिंग करते हैं तीरे की, इसे तीरा भी बोलते हैं, शोल्डर भी बोलते हैं। तो कपड़े को हमने डबल करके बिछाया है, पहले हम बैक पर निशान लगा लेते हैं, तो 4.5 पर एक निशान लगाएंगे और एक 4 पर, तो 4 इंच हमें रेडी चाहिए शोल्डर की चौड़ाई। तो हमने कपड़ा डबल करके बिछाया हुआ है और कपड़े का जो एक्स्ट्रा कपड़ा उसे पहले काट कर निकाल देंगे, जो हमारा ख़राब दिख रहा है यहाँ पे, ये काट कर निकाल लेंगे। फिर एक मार्जिन के लिए निशान लगा लेते हैं जहाँ से हमारा शोल्डर मुड़ेगा। अब इस पर हम शोल्डर बैक का हिस्सा बिछाएंगे जहाँ पर हमने निशान लगाया था 4.5 का। ये बिछाने के बाद हम ध्यान देंगे कि हमारा फ्रंट से बराबर होना चाहिए। अभी आपको मैं बताता हूँ, ये जो आगे का हिस्सा है ये बिल्कुल बराबर आप रखें, यही एक पॉइंट है कि आप यहाँ से बिल्कुल बराबर रखेंगे तो बिल्कुल बराबर आ जाएगा शोल्डर। ये बिल्कुल आसान और सिंपल तरीका है दोस्तों इस कटिंग करने का, तो मैं इसकी कटिंग कर लेता हूँ बस। तो ये हमारी कटिंग पूरी हो गई, अगर फिर भी आपको कुछ डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करें। अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है दोस्तों, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें कि ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो बनाऊँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।